हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई तेज आ रही है बाघ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आपने इससे पहले एक छोटी सी क्लिप देखी होगी जिसमें मैं इंट्रो कर रही थी। वाह, जिसमें मैं इंट्रो ले रही थी, बट मैं सोच रही थी कि फटाफट इंट्रो ले लूंगी, लेकिन बारिश तेज हो गई तो मुझे वापस से लौट के आना पड़ा और मैं वापस से ऊपर जा रही हूँ। हम लोग जा रहे थे, मैं अमन साक्षी, हम तीनों जा रहे थे हीरा स्वीट खाने के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। और जैसे दो दिन बाद से नवरात्रि शुरू है, तो फिर भी मैंने सोचा कि दो दिन अपना से बाहर का कुछ खाना पीना अच्छा लगता है पूरा फुल बार, बट बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई तो हम लोग को वापस आना पड़ा और ऑलमोस्ट हम सब गीले हो गए, जैसे आप देख सकते हो हम लोग गीले हो ही गए। तो पता नहीं ये क्या ड्रामा हुआ गए। और अच्छा देखो, अब तो और तेज हो गई, अब और ज्यादा तेज हो गई। ऐसे नहीं दिखती ना ऐसे बारिश है। गाइस देखो कितनी तेज हो रही है। गाइस अमन जा रहा है अपने घर। बाय गाइस। और अब इसके बाद में आपको सब कुछ बताते हैं कि आज के व्लॉग में क्या होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है। गाइस अभी मैं आपको पूरा सब कुछ बताती हूँ, जो भी आपने स्टार्टिंग में क्लिप्स देखी क्या 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 हुआ और हम इतनी भागदौड़ में क्यों ही लगे हुए हैं। अमन भी फटाफट ऐसे चला गया। तो मैं आप लोग को सब कुछ बताती हूँ कि अभी क्या हुआ था हमारे साथ। कि अभी मैं, अमन और साक्षी, हम लोग जाने वाले थे बाहर हीरा स्वीट लंच करने के लिए, बिकॉज आज हमने साक्षी ने लंच नहीं बनाया है क्योंकि आज हम जाने वाले, मतलब मैं साक्षी, हम लोग जाने वाले हैं अपने घर पे, वो वाले घर पे, बिकॉज नवरात्रे हैं दो दिन बाद से। तो नवरात्रे हम वो वाले घर पे बनाते हैं, क्योंकि इस वाले घर पे हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि जब भी वहाँ स्टार्टिंग से हमने वहीं पे बनाया, चौकी वगैरह वहीं पे लगती है, तो इस बार भी वहीं पर ही होगा। लास्ट टाइम भी जैसे नवरात्रे थे तभी हम इसी घर में थे, बट मम्मी ने वहीं पर सब कुछ करवाया था, तो इस बार भी मम्मी और पापा दोनों बोलने लगे कि इस बार भी वहीं पे नवरात्रे हम लोग बनाएंगे, तो इसलिए हम लोग को आज यहाँ से वो वाले घर पे जाना है। तो हमने सारी पैकिंग वैकिंग करी और सेजान भी जैसे रुका हुआ था, सेजान भी आज सुबह ही घर पे गया है, सेजान भी आज सुबह ही निकला है। और अमन भी, जैसे अभी आपने देखा, अमन भी घर पे चला गया है। और अभी मैं और साक्षी और अमन, हम पहले खाना खाने जाने वाले थे बिकॉज हम लोगों ने खाया नहीं है। फिर हम जैसे जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो गई। पहले मैं बैठकर सोच रही थी कि मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, बट ऑनलाइन हम सोच रहे थे कि वहाँ पे जाके खा के आते हैं, क्योंकि आते आते थोड़ा ठंडा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि वहाँ पे जाके खा के आते हैं। बट बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी, हम लोग को वापस आना पड़ा। फिर अमन बोल रहा है कि तुम लोग ऑनलाइन ही मंगा लो, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसको लेट हो रहा था, तो वो भी फिर निकल गया। और मम्मी, जैसे सुबह मम्मी पापा और जिया सुबह चले गए क्योंकि जिया का स्कूल था, तो उसको छोड़ा, मम्मी ने बोला तुम लोग अपना काम खत्म करके, पैकिंग वैकिंग करके तुम लोग आ जाना, तो मम्मी पापा और जिया सुबह ही चले गए थे। और अभी साक्षर, मैंने पैकिंग कर ली है अच्छे से, अभी मैंने ऑनलाइन कुछ मंगाया बिकॉज कुछ खाऊंगी उसके बाद निकलूंगी। और गाइस आज भी मैंने अपना बहुत सारा काम खत्म किया। मम्मी लोग सुबह से चले जाते हैं क्योंकि अगर हम लोग उनके साथ जाएं तो फिर मेरा काम थोड़ा छूटता है, कि मतलब मेरी वीडियोज वगैरह थोड़ी रहती हैं और फिर जैसे 365 डेज चल रहे हैं तो मुझे व्लॉग्स वगैरह भी करने पड़ते हैं, बैकअप भी थोड़ा रखना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने बहुत सारा आज अपना काम खत्म किया। मेरी प्रमोशंस भी थी, वो भी मैंने कंप्लीट की, मैंने सब कुछ पैक करके रखा है। और मेरे मामा हम लोग को लेने आएंगे, मतलब मैं मेरी कार से जाऊंगी क्योंकि पापा इस बार स्कूटी लेकर चले गए, और पापा और मम्मी ये लोग स्कूटी लेकर चले गए, तो कार यहीं पर अभी, तो मेरे मामा हम लोग को लेने आएंगे, तो मामा के साथ मैं, साक्षी, हम लोग जाएंगे। और अभी मैंने खाने के लिए व्हाइट सॉस पास्ता मंगाया बिकॉज बहुत ज़्यादा तेज भूख लग रही है और मेरे को दो दिन तक ऐसा अच्छा खाना है। और आज सैटरडे है यार, मैं चिकन नहीं खा सकती, बट कोई नहीं, कल मैं चिकन खाऊंगी। इसलिए ये पूरी भागदौड़ दिखाई कि हमको घर में खाना ना बनाना पड़े, बिकॉज रुकना नहीं है तो फिर वो खाना बचता तो वो वेस्ट होता, इसलिए हमने सोचा कि हम बाहर ही खा के आते हैं। और आज के व्लॉग में बस यही होने वाला है, मैं घर जाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े इस बार मैंने रखे हैं, सूट बहुत सारे भर के कपड़े, जब भी हर बार जब घर जाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें लेके जाना पड़ता है, तो इस बार भी मैंने बहुत सारे कपड़े रखे हैं। और इस बार मैं अपने वो वाले घर बहुत एक बड़ी होप से जा रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्द आपको पता चलेगा। हाँ, सो चेस, अभी मेरे मामा हम लोग को लेने आएंगे, पहले मैं खाऊंगी, इतने में मामा भी आ जाएंगे, फिर हम लोग घर के लिए जाएंगे और मैं वहाँ पे जाके फिर जो जो जैसे जैसे होता रहेगा वो आपको दिखाते रहूँगी। हम लोग, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग को मामा लेने आने वाले हैं, तो मामा आ गए और अभी हम निकल भी चुके हैं, और सारा पूरा मतलब बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, सो सब हमने रखा, जैसे कि आपने देखा मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी,
बस अभी हम निकल गए हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। बस बारिश हुई है तो उसकी वजह से ट्रैफिक हम लोग को ना मिले, जल्दी पहुंच जाए। इतना मुश्किल, मतलब इतनी तेज बारिश बाहर हो रही है, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, और हमारे पास इतना सारा सामान था। फिर मम्मी बाहर आई हम लोग को लेने, और मम्मी भी पूरी गीली हो गई और मैं भी पूरी गीली हो गई। देख, मतलब मैं तो पूरी है, मेरी जीन्स वीन सब गीली हो गई, मतलब मैं नहीं हुई, मम्मी ने मुझे छाता दे दिया था। बट ये देख, मम्मी पूरी गीली हो गई है, साक्षी पूरी गीली हो गई। गाइस देखो हमारे घर में कौन आया है। वाओ भाई, क्या नाम है इसका? भाई मैं इतने सारे कपड़े लेकर आई हूँ, ये पूरा बैग भर के, मतलब इसमें साक्षी के भी हैं और मेरे भी हैं। जिया का और मम्मी और का अलग बैग था। मैं अपने बहुत सारे आउटफिट लेकर आई हूँ, सूट भी लेकर आई हूँ और वैसे कपड़े भी लेकर आई हूँ, बिकॉज मुझे काफी दिन तक इधर रहना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। और साक्षी कर रही है इन सारे कपड़ों का सेट, मैं भी अपने कपड़ों का, और जिया भी कर रही है इधर अपने कपड़ों को सेट, क्योंकि इसके बहुत सारे कपड़े हम लोग लेकर आए हैं। और साक्षी हमारे कपड़े सेट कर रही है। बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे हेडेक हो रहा है, बिकॉज लंच छूट गया मेरा और अभी मेरे को एकदम से खाना खाने का मन नहीं हो रहा, तो मम्मी मेरे लिए चाय बना के लेके आई है। अभी मैं पीऊँगी थोड़ी सी चाय, तो मेरा जो थोड़ा सा हेडेक है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा वीडियो में, आज मैं बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुई। कंटिन्यू बारिश हो रही है 2-3 दिन से कंटिन्यू, और आज तो एक भी सेकंड के लिए बारिश बंद नहीं, पूरा दिन बारिश आई, मतलब पूरा दिन बारिश आई। और आज हमने बारिश की वजह से लंच भी नहीं किया, अभी तक भी मैंने कुछ नहीं खाया। अब मम्मी ने खाना बनाया है, अभी वो मैं खाऊंगी। और जैसे मैं सोच रही थी कि मैं बाहर का खाऊंगी, बट बाहर का खाना आज मैं नहीं खा पाई। तो मम्मी ने जो डायरेक्ट डिनर हो रहा है, मतलब मेरा लंच छूट गया आज, तो मम्मी ने डिनर बनाया वो खाऊंगी। और यस, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा बाहर, मतलब बारिश की वजह से हम लोग इतना परेशान हुए, आज वहाँ नहीं जा पाई, प्लस फिर ट्रैफिक में इतना ज़्यादा फंसे, इतनी देर बाद घर पे पहुँचे, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। और गाइज, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं नवरात्रि की वजह से इधर पे आई हूँ, तो आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में पूरा सब कुछ पता चलेगा। सो आपको मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो नवरात्रि का ही आएगा, कि हम लोग कैसे कैसे सब कुछ करते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि 365 डेज चल रहा है, तो अभी तो मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा, अपनी हर एक एक चीज शेयर आप लोगों से करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम नवरात्रों में चौकी वगैरह लगाते हैं और जैसे जैसे पूजा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे हम लोग करते हैं। और बस अभी मैं खाना खाऊंगी, और मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस।